लोकसभा चूंटणी नजीक आवता आम आदमी पार्टीए गुजरात में सत्ता मेळवा माटे प्रयास शुरू कर्या छे, जे अंतर्गत दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ना गुजरात प्रवास में वधारो थयो छे। त्यारे आज फरी दिल्ली ना नायब मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात ना प्रवासे आव्या छे। गुजरात में मनीष सिसोदिया गांधी आश्रम की मुलाकात लेशे। तो जे बाद गुजरात में बस परिवर्तन जोईए छे यात्रा की शुरुआत करावशे। साथ बपोरे हिम्मतनगर में तिरंगा यात्रा में भाग लेशे, साथ ज सांजे तलोद और प्रांतिज में जनसभा ने संबोधन करशे। तो महात्मा गांधी ना दर्शन करीने यात्रा की शुरुआत करावशे। हिम्मतनगर में पण तिरंगा यात्रा में भाग लेवाना छे। मनीष सिसोदिया आज गुजरात में छे। विधानसभा की आ चूंटणी वर्ष छे ने त्रीजो पक्ष छे ते परिवर्तन यात्राओ करी रह्युं छे ने लोकोना सुधी पहोंचवानो प्रयास करी रह्युं छे। आज गुजरात आया हूं और पिछले कुछ महीनों से गुजरात के लोगों ने जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सम्मान अरविंद केजरीवाल जी को दिया है, आम आदमी पार्टी की राजनीति को दिया है, उससे बहुत उम्मीद बढ़ी है कि गुजरात में भी स्कूल के अच्छे काम हो सकते हैं, अस्पताल के अच्छे काम हो सकते हैं, महंगाई से लड़ा जा सकता है, रोजगार के काम हो सकते हैं। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सिर्फ जुमले दिए, कुछ किया नहीं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए सरकारी स्कूल अच्छे बने, उनके लिए सरकारी अस्पताल अच्छे बने, उनकी बिजली महंगी हो गई है बहुत, उसको दाम नीचे आए, रोजगार मिले। तो आज से मैं यात्रा निकाल रहा हूँ गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाके और इसी पे चर्चा करेंगे। मनीष जी, गांधीनगर में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, 18 से भी ज्यादा आंदोलन चल रहे हैं, इतने दिन का आपका टूर है गुजरात में, गांधीनगर जाओगे? मेरा अभी शेड्यूल्ड है कार्यक्रम, किसी और समय और समय निकाल के लोगों से मिलते रहेंगे। हर जगह के कुछ मुद्दे हैं, मैं जगह जगह लोगों से मिलता रहूंगा।